आज सारे हमारे बसों कल्याण क्षेत्र के लोकल एस्पिरेंट्स के तौर से मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है, कल एक चैनल में बसों कल्याण का टिकट डिक्लेयर हुआ करके आया है, तो उसके सिलसिले में आज हम लोग यहां पे इकट्ठा होकर आपके सामने बात करने के लिए आए हैं। आप सबको पता है, कई दिन पीछे कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के लिए अर्जी बुलाए थे। सिर्फ अर्जी बुला के 15-20 दिन नहीं हुए, अभी अर्जी स्क्रूटनी चल रहा है, अर्जी का लिस्ट बन रहा है। केपीसीसी की तरफ से एक पट्टी भी वो लोग बना रहे। इसी के बीच एक चैनल में बसों कल्याण का टिकट विजय सिंह को क्वेश्चन मार्क आते ही बसों कल्याण के कुछ लोगों में कंफ्यूजन पैदा हुआ है कि टिकट डिक्लेयर हुआ है करके। तो आपके जरिए से मैं तमाम बसों कल्याण के आवाम को, पब्लिक को मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी कांग्रेस का टिकट किसी को फाइनल नहीं हुआ है। कांग्रेस में एक पद्धत है, ये टिकट फाइनल होना है तो अर्जी बुलाते हैं। अर्जी बुलाने के बाद ऑब्जर्वर्स आते हैं। ऑब्जर्वर्स आने के बाद सभी लोगों का, लीडर्स का राय लेते हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी करके कमेटी बनाया जाता है। स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में फाइनल होने के बाद एक या दो या तीन नाम जो स्क्रीनिंग कमेटी में फाइनल होता है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी CEC को जाता है। CEC में जाने के बाद वहाँ के हमारे हाईकमांड, AICC प्रेजिडेंट है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सिद्धरामैया साहब, तमाम सीनियर लीडर्स बैठ के CEC में तय कैंडिडेट का तय होता है। तो ये तमाम प्रोसेस कई सालों से कांग्रेस पार्टी में चलते आ रहा है। अभी चुनावी डिक्लेयर नहीं हुआ है, टिकट डिक्लेयर हुआ करके कुछ बाहर वाले लोग यहाँ पे आके कांग्रेस में कन्फ्यूजन पैदा करके कांग्रेस पार्टी में डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं सारे बसों कल्याण क्षेत्र के आवाम को ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस का टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि आज यहाँ पे हम जो मौजूद है, कई लोग, 9 लोग यहाँ पे दावेदार हैं। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ TV5 ಏನೋ ಒಂದು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಎಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂತು, ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಬಂತು, ಅದು ತಪ್ಪಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೀಗ ಆನಂದ್ ಯೋಪರ್ ಹೇಳೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಅರ್ಜಿ ಕರೆದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು 9 ಜನ ಟೋಟಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು 5 ಜನ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯರಿದ್ದೆವು. ಸುಮಾರು 20-25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೋಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಯಾರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಇರಲಿ, ಮರಾಠ ಇರಲಿ, ಲಿಂಗಾಯತ್ ಇರಲಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಇರಲಿ, ಕೋಳಿ ಇರಲಿ, ಕುರುಗ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಈವನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರಲಿ, ಯಾವುದಿದ್ರು ಲೋಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 20-25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಿದ್ದೆವು, ಮುಂದೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸುಖ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸರ್ವೆ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಈಗ ನಾವು ವರಿಷ್ಠರು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದು ಟಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ, ನಾನು January 3 ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇದು ಬಸ್ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಂತ, ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. मैं सबसे पहले इस बसों कल्याण धरती माँ को नमन करता हूँ और हमारे कांग्रेस पार्टी को, जो हाईकमांड है, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या मेरे बसों कल्याण के धरती माँ के कोख में एक कांग्रेस पार्टी के लिए एक काबिलियत सुपुत्र नहीं है?
हाईकमांड ये जरूर सोचेगी, नीचे जनता की आवाज़ लोकल कैंडिडेट की तरफ है, इसलिए आज हम सब लोकल जो एस्पिरेंट्स है, हम लोकल कैंडिडेट को ही, जो भी आपका कास्ट कॉम्बिनेशन में पार्टी के हिसाब से बैठता है वो हिसाब से लोकल कैंडिडेट को आप देंगे तो ये जनता जरूर चुन के लाएगी। ये जनता की आवाज़ है, ये हम हाईकमांड को या आपके मीडिया के माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं। शॉर्ट में नमस्ते, जैसा कि कल हम गुलबर्गा एसीसी अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे के स्वागत प्रोग्राम में गए थे, जैसे ही मैं गुलबर्गा से पहुंचा बसों के लाइन तो टीवी 5 में ये मैसेज दिखा, ये न्यूज़ देखा कि बसों के लाइन बीदर भालकी औराद और उन्नावा सभी बीदर जिले के सभी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम डिक्लेयर हो। कन्फ्यूजन में मैं जैसे सदन सौर मठ के सामने गया, बालाजी मंदिर के सामने पटाखे उड़ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बात है, क्यों कन्फ्यूजन किया जा रहा है जनता को, क्या वजह है कन्फ्यूजन करने की, क्या अपोजिशन का कोई कार्यकर्ता का कोई नेता आता है या हमारे कोई कार्यकर्ता का नाम आता है, ये हमको समझ में आ रहा है। इससे पहले भी प्रीवियस पीरियड में 1.5 साल पहले ऐसे मैसेज मोबाइल पर आया था, तो मैं यही सवाल केपीसी अध्यक्ष डी के शिव कुमार जी और सिद्धारामैया जी से आपको सुनता है, उनको भी पूछा था। इस नमून से अगर ऑर्गेनाइजेशन चला तो इसका डैमेज जो है कांग्रेस पार्टी के जो अभिनेता अभ्यर्थी होता है उसको नुकसान होता है, वोटर कन्फ्यूज में आता है, टिकट उनको हो गया इनको हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको सडनली मैं तो चाहता हूँ कि केपीसी के और एआईसीसी साउथ की ओर से इसको सडनली उनको जो बुलाकर वार्निंग देना चाहिए, कोई भी कैंडिडेट हो, मैं भी कैंडिडेट हूँ, यहाँ पर अन्य जो देवपाज में हैं और वाड़ेकर साहब हैं, शिवराज नटी नसीर साहब हैं, एस्पिरेंट दसवर स्वामी जी, मैं हूँ, हमने ऐसा कोई सा काम नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए, क्यों तो बसों कल्याण की जनता ये माइंड बन रहा है कि बसों कल्याण का लोकल का एक नेता उनको होना चाहिए, उनके दिल में वो तड़प है, और अगर हाईकमांड और कोई कार्यकर्ता इसको मिसगाइड कर अगर उसको जजमेंट लेता हूँ तो गलत। अब मैं अभी भी वार्निंग कर रहा हूँ केपीसीसी को कि आप जो है सर्वे भेजिए, सर्वे टीम भेजिए, एआईसीसी की केपीसीसी की सर्वे ले लिए और जनता को ओपिनियन लिए, अगर जनता के ओपिनियन पर टिकट देना अनिवार्य नहीं है, गलत है, अगर देना है तो सच्चे कार्यकर्ता को दीजिए, सच्चे कार्यकर्ता कौन है देखो, देख कर जो है जो लोकल के लोग हैं जिसको लोकल लोग चाहते हैं उसमें से एक अच्छा आदमी आए दे दो, कोई बात नहीं, क्यों तो पिछले 35 साल से यही हाल होता है, एक टर्म हमको बीनारायण साहब को मिला मौका, वो भी 35 साल झटपट करते रहे, तो उसके बाद से वो भी चले गए, भगवान की क्या कृपा थी, 2-2.5 साल के अंदर से भी चले गए, फिर से अब हमको वही जगह फिर रिपीट करना पड़ रहा है, फिर बसों कल्याण के मतदाता को और कार्यकर्ता को, कांग्रेस के पूरे पक्ष के कार्यकर्ता को सबको जो है इसका श्रेय भुगतना पड़ रहा है। तो मैं कन्फ्यूज नहीं करना चाहता, सभी भी एआईसीसी केपीसी जो भी है तो जो है सर्वे टीम भेजे, सर्वे करकर यहाँ के लोग जो चाहते हैं लोकल को जो चाहते हैं लोकल के कैंडिडेट का नाम घोषित करकर जल्द से जल्द जो है उनको प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। धन्यवाद। जो है विजय सिंह को टिकट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? मैं बोला ना भाई साहब, अभी टीवी में क्या आया है, इस क्षेत्र में इसको मिल सकता है क्या बोल के क्वेश्चन मार्क आया है, और टीवी में आप लोग भी मीडिया वाले हैं, एक अजम्पशन रहता है कि इसको मिल सकता है, इनको मिलेगा क्या, एक प्रेडिक्शन वो लोग करते हैं, वो प्रेडिक्शन का है, उसको कुछ शॉर्ट बना के उसको एडिट करके ये लोग गलत मैसेज फैला रहे हैं। बाई इलेक्शन में भी यही लोग ऐसा गलत फैलाए थे, ऐसे ही पटाखे उड़ाए थे, इससे कुछ होने वाला जाने वाला नहीं, इसलिए मैं आपके जरिए से जैसे कि बोल सब लोग ने बोला है, अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, टिकट AICC हाईकमांड के लेवल में फाइनल होता है, उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के जरिए से फाइनल होगा। इनकेस अगर से आप पांचों में से किसी एक को मिलता है या विजय सिंह को मिलता है या बाहर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बाहर के जो 4 कैंडिडेट हैं जो कि टिकट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोकल के 5 हैं, टोटल 9 बता रहे हैं, अगर से विजय सिंह को अगर से टिकट मिलता है तो क्या आप उनका सपोर्ट करेंगे या कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे या फिर दूसरा कुछ और निर्णय लेंगे? इस बार हमको पूर्ण विश्वास है, क्योंकि बाई इलेक्शन में सारे लोग सीनियर लोग बोले थे कि आगे आने वाले दिनों में लोकल का कैंडिडेट को देंगे, ये बाई इलेक्शन है, जैसे कि कांग्रेस का परंपरा है,
बाय इलेक्शन में बी नारायण रुजू का मिसेस को देना है, जिसका घर में डेथ होता है उनके घर में टिकट दिया जाता है। आगे आने वाले दिनों में हम लोकल के कैंडिडेट को देंगे बोल के सिद्धरामैया साहब सब लोग सीनियर लीडर साहब को देते, इस बार हमको पूर्ण विश्वास है कि लोकल वाले को ही टिकट देंगे। इनके अगर से मिलता है बाहर वाले को तो इनके इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। इस हमको अगर जब हाईकमांड बोले हैं कि लोकल वालों को कंसिडर करेंगे देंगे बोल के, तो इनके इसका सवाल पैदा ही नहीं होता। हमको विश्वास है कि इस बार लोकल वालों को ही वो टिकट देंगे। एक दूसरी आनंद देवप्पा की और तीसरी जो है विजय सिंह की, तो इसमें कांग्रेस में कहीं ना कहीं फूट नजर आ रही है, उसके बारे में पढ़े। फूट कहाँ पे भी नहीं है, वर्कर्स में भी फूट नहीं है, लीडर्स में भी नहीं। हमारा क्या है, आपका आपका क्या क्या राइट्स है यहाँ टिकट पूछने का? आपके अपने गांव में जाके पूछे ना। आपको 6 साल हम MLC बनाए, आपको 6 साल MLC, आपका क्या योगदान है बसव कल्याण में, क्या है आपका सेक्रीफाइस, कौन से वर्कर को आप आगे लाए बसव कल्याण से कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप 6 साल MLC में क्या काम किए, क्या बेसिस पे बसव कल्याण पूछ रहे हैं? एक मानदंड होता है ना टिकट पूछने का। माला नारायण राव है, उनका पति यहाँ पे MLA थे, उनका डेथ हुआ, वो पूछ रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अभी उनका बाय इलेक्शन हो गए, अब उनका भी एक ही टर्म था, हमको हाईकमांड बोले थे कि बाय इलेक्शन में टिकट देंगे, आगे अगर जीत के आए ठीक है नहीं देंगे। अब उनका भी हक नहीं बनता क्योंकि वो भी अपना अस्तित्व खो चुके हैं। तो इसलिए इस बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कुछ लोग बाहर से आके यहाँ पे वर्कर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही टिकट पूछे, बाय इलेक्शन में लोगों ने क्या क्या काम किए सबके पास वीडियो है, हाईकमांड के पास रिकॉर्डिंग्स है, हाईकमांड के पास पूरे उसके वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है। ये लोग किसको माला नारायण को किसने हराया, क्यों हराया, सभी कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को भी पता है। कुछ लोग जन इन्हें लोग जो बी नारायण जो के छेले थे वो लोग किसके चक्कर में किसी के आस में आके ऐसा हंगामा मचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे पटाखे बहुत उड़े हैं बसव कल्याण में। 8 दिन में 15 दिन में भी पटाखे उड़े हैं, हम देखे 2013 में 18 में बाई इलेक्शन टाइम में भी ऐसे ही फटाके उड़े। फटाके उड़ने से कुछ नहीं होता, AIC से फाइनल CEC में फाइनल अप्रूवल होके AIC प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होके बाहर आने के बाद ही फाइनल होता। इसलिए कांग्रेस वर्कर्स में भाई कोई भी ये फटाके उड़ाए, ये वीडियो वायरल करने का आप लोग कोशिश करके कांग्रेस में फूट डाल रहे हैं। बीजेपी वालों का सुन के आप कांग्रेस में डिस्टर्ब पैदा करना बोल रहे हैं, आप ये सब बात यहाँ पे बंद कर दीजिए। कांग्रेस के वर्कर्स में एकजुट है, कांग्रेस वर्कर्स कोई भी टिकट लेके आए लोकल में, लोकल वालों को सपोर्ट करना बोल के डिसाइड किए हैं। पूरे वर्कर्स लोकल के कैंडिडेट्स के साथ है और ये वर्कर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने का आप कोई भी कोशिश मत करिए बोल के आपके जरिए से पूछ रहा है। सर देखने में ये भी आता है कि कांग्रेस के जब कोई बड़े अधिकारी का अगर से कुछ भी प्रोग्राम होता है या कांग्रेस पार्टी का कोई प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर जो है टीम अलग अलग तरीके से और अलग अलग तरीके से जाती है, तो इसके बारे में आपका क्या है? कल जैसे कि खड़गे साहब जो गुलबर्गा आए थे तो यहाँ पर तीन टीम अलग अलग बन के यहाँ से निकले। मैंने उसमें कोई टीम अलग अलग नहीं है, एक मीटिंग हुआ पूर्व सिद्धता सभी वर्षा फंक्शन हॉल में हुआ, वहाँ पे हमारे ऑब्जर्वर्स आके नरसिंहराव सूर्यवंशी जी ऑब्जर्वर्स थे, श्रवण मोदी जी हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, वो आके बोले कि जो भी टिकट पूछ रहे हैं जो भी लीडर्स है कांग्रेस के अपने अपने लोगों को अपने अपने कम्युनिटी के लोगों को कांग्रेस के वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेके आए बोले अपने अपने हिसाब से। संजय वाडेकर साहब गाड़ी बंदे मैं गाड़ी बना सब लोग अपने अपने वर्कर्स को लेके गए, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, इसमें बात क्लियर है, इसमें कोई ये नहीं अपना मतभेद नहीं है। तो ये टिकट कब फाइनल होने वाला है कुछ आइडिया से इसके बारे में? मैं बोला ना आप लोगों को कांग्रेस में एक प्रक्रिया होता है, एक सिस्टम होता है, स्क्रीनिंग कमेटी बनाया जाता है, CEC को नाम भेजा जाता है, PCC प्रेसिडेंट, CLP लीडर्स, यहाँ पे वर्किंग प्रेसिडेंट, AICC अध्यक्ष जी हमारे एरिया के हैं, बसव कल्याण का एक एक चीज़ के बारे में AICC प्रेसिडेंट जी को पता है, यहाँ पे सारे सीनियर लीडर मिल के सुप्त समय में, अभी इलेक्शन ही डिक्लेयर नहीं हुआ है, इतना जल्दी कांग्रेस में कभी हुआ नहीं ना, मैं समझता हूँ होगा नहीं है, ये ऐसा करके कन्फ्यूजन करके लोगों में डिस्टर्बेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आगे आने वाले दिनों में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दबाजी में काम मत लें जिससे कि BJP को फायदा पहुंचे।